मकर संक्रांति के पर्व पर तीन दिवसीय मेले का मालपुर गांव में हुआ आयोजन। मालपुर गांव में उमड़े हजारों श्रद्धालु। मालपुर गांव में हड़प्पा संस्कृति के समय की शिवलिंग गुफाएं मौजूद। मकर संक्रांति के पर्व पर लगातार 48 वर्षों से लगता आ रहा है मेला। जी हां, गुना शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर मालपुर गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया। मालपुर मेला आयोजक सदस्य जिला गुना अशोकनगर लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता किशोरी लाल चुरसिया ने इंडिया खबर लाइव संवाददाता से बातचीत में बताया कि किस तरह से इस मेले की शुरुआत हुई। इस जगह का महत्व हड़प्पा संस्कृति के समय की शिवलिंग गुफाएं होने से भी बढ़ जाता है। आपको बता दें, मकर संक्रांति के पर्व पर 48 वर्षों से लगातार यह मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में छोटी छोटी दुकानें, खाने पीने की व बच्चों के झूले बाहर से आते हैं। मध्य प्रदेश के आसपास के गांवों से लोग प्राचीन शिवलिंग और गुफाओं के दर्शन करने मेले में हजारों श्रद्धालु आते हैं। शासन और प्रशासन इस मेले हेतु मूलभूत सुविधाएं व सुरक्षा के इंतजाम कराता है। गुना से जिला ब्यूरो चीफ राहुल चुरसिया की एक रिपोर्ट। मालपुर की गुफा है, ये प्राचीन गुफा है। हाँ। ये मेला कितने वर्षों से भरा हो रहा है मालपुर में? आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं इस गुफा पे? ये यहाँ पे जो मेला भरा हो रहा है मालपुर गुफा पे, ये लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। आप यहाँ कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं मेला में? ये मेले के जन्मदाता हम ही लोग हैं। स्वर्ग ये श्री राजमाता साहब जय राजे सिंधिया का उनका आगमन यहाँ हुआ और महाराज श्री ने मुझे आदेश दिया, उनके आदेश का मैंने पालन किया और श्रीमंत राजमाता सिंधिया यहाँ मेले में पधारे, पूर्ण आहुति उनके माध्यम से हुई। इसके बाद श्रीमंत महाराज माधवराव जी सिंधिया को ही मैंने आमंत्रित किया, लेकिन श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का लेटर मेरे पास आज भी है और वो विदेश यात्रा पर थे। मध्य प्रदेश में वीरेंद्र कुमार सकलेचा की सरकार बनी, लक्ष्मी नारायण शर्मा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका भी आगमन यहाँ पर हुआ है। श्रीमान 108 श्री नरोत्तम दास जी महाराज यहाँ पधार चुके हैं और ये स्थान जो है यहाँ कलेक्टर एसपी साहब भी आते हैं समय समय पर। जी हाँ, पिछले 15 अगस्त को माननीय जिलाधीश जी कुमार पुरुषोत्तम जी जो वर्तमान में कलेक्टर हैं, मेरा साल और श्री पल से सम्मान करने मेरे गहने वास पर आए और उस वक्त मैंने मौखिक विनती की थी। उन्होंने गौर किया मेरी विनती पर, बधाई के पात्र हैं सम्माननीय कुमार पुरुषोत्तम जी जिलाधीश गुना पुलिस अधीक्षक, उन्होंने मेरी बात सुनी और यहाँ पर पंचायत के माध्यम से
बहुत सारी व्यवस्थाएं इस मेले में देखने को मिल रही है। बधाई की बात है।